जय हिंद। आज की वीडियो में हम दुग्ध विकास को समझते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या है, ये क्यों चलाया गया था और ये किस लिए चलाया गया था, इसका क्या योगदान था। तो सबसे पहले दुग्ध विकास को समझते हैं। जो भारत में पशुओं का पालन किया जाता है, यह कृषि में बहुत ही सहायक है। क्यों? क्योंकि जब हम पशुओं को पालते हैं, उनको हम अपना चारा खिलाते हैं, उनको जो कृषि से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल रहता है, जैसे पुआल हुआ, भूसा हुआ और हरी घासें रही, इन सभी को जब हम पशुओं को खिलाते हैं, तो पशु जब उसको खाते हैं और खाने के बाद वो अपना वेस्ट मटेरियल छोड़ते हैं, जिससे हम उससे खाद बनाते हैं। पशुओं के वेस्ट मटेरियल से ही हम खाद का निर्माण करते हैं। हमारी खेती को उर्वरक बनाने में बहुत ही मदद करती है, जिसका उपयोग करके हम फसलों की उपज को बढ़ा लेते हैं। तो फसल और पशु, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अगर पशु नहीं रहेंगे तो जो कंपोजिट खाद रहती है, जो उर्वरक खाद रहती है, जैविक खाद रहती है, उसको हम नहीं बना पाएंगे। अगर हम खाद का उपयोग करेंगे भी तो वही केमिकल वाली खाद का उपयोग करेंगे, लेकिन उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, वो बहुत सारे केमिकलों से मिलकर बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो पशु हैं, तो इनसे हमें जैविक खाद मिलती है। भारत में या कहीं भी, हम मान लें किसी भी देश के लिए, जो पशु हैं वो खेती के लिए बहुत ही सहायक हैं। दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का मतलब है कि जो हमें दूध और ज़्यादा मात्रा में चाहिए। पहले दूध क्या था, जब पशुओं, दूध देने वाले पशुओं की संख्या कम थी, तो उनसे दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता था। तो इसलिए श्वेत क्रांति चलाई गई कि हमें दूध की ज़्यादा जरूरत है और हमें दूध मिलता रहे। जब श्वेत क्रांति चलाई गई, तो श्वेत क्रांति में जब पशुओं को बढ़ावा दिया गया, पशुओं को पालने के लिए बढ़ावा दिया गया, तो उसमें जो पशुपालक थे, पशुओं को जो पालते थे, जानवरों को जो पालते थे, तो उनको कुछ सहायता राशि भी दी जाने लगी। क्यों? क्योंकि उनको बढ़ावा मिल सके, वो प्रोत्साहित हो सके कि हमें इससे कुछ राशि मिल रही है, सरकार द्वारा कुछ धन मिल रहा है, जिससे हम अपने पशुओं को चारा खिला सकें और उसके साथ साथ हम पशु आहार दे सकें, जिससे वो अच्छा खासा दूध दें, उसकी दूध की मात्रा बढ़ाई जा सके। तो जो श्वेत क्रांति थी वो दूध से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति यहाँ पर चलाई गई थी, यहाँ पर आंदोलन नहीं चला गया। अच्छा, क्रांति और आंदोलन, आंदोलन, ये दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि देखिए, जो क्रांति रहती है वो एक सिस्टमैटिक ढंग से सभी की मर्जी से अपनी बातों को बिना खिलाफ हुए कहना, उसके सामने रखना, पेश करना कि हमें यह काम करना है और हमारी इसमें मदद कीजिए, हम इस काम को अपना ऊंचे लेवल तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन और ये जो क्रांति रहती है, ये लंबे समय तक चलती रहती है, इसमें बहुत ज़्यादा बवाल नहीं रहता है। लेकिन वही जो आंदोलन रहता है, तो आंदोलन कुछ ही समय के लिए रहता है और ये लंबे समय तक भी रह सकता है, लेकिन ये आंदोलन जो रहता है ये विद्रोहक रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा दंगे, फसाद, ये सब दुनियादारी होती रहती है इसमें। तो जो आंदोलन है, आंदोलन में लड़ाई झगड़े और अपनी मांग को जबरदस्ती रखना या किसी भी चीज़ को जबरदस्ती पेश करना, ये आंदोलन के अंदर आता है, इसलिए क्रांति चलाई गई थी। जब श्वेत क्रांति को चलाया गया, जिससे उनको बढ़ावा मिल सके, लेकिन यहाँ पर उतनी ज़्यादा मात्रा में उनको बढ़ावा नहीं मिल पा रहा था। और फिर भी यहाँ पर देखा गया कि जो पशुपालक हैं, वो उनके पास जानवरों की संख्या कम है, तो उसकी संख्या बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहले तो कुछ राशि दी गई, लेकिन जब उससे भी उन पर्याप्त नहीं हुए, जितनी रिक्वायरमेंट थी उतने नहीं हुए, तब यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है, बाढ़। अब यह जो ऑपरेशन फ्लड किसके अंदर चलाया गया था, यह श्वेत क्रांति के अंतर्गत ही चलाया गया था, या श्वेत क्रांति से एक, श्वेत क्रांति से इंटरनली कनेक्टेड था। तो ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, फ्लड का मतलब होता है बाढ़। तो दूध के क्षेत्र में श्वेत क्रांति पहले से ही दूध से संबंधित है। श्वेत, श्वेत मतलब दूध, दूध कैसा होता है, सफेद, इसीलिए उसको श्वेत रखा गया। ऑपरेशन फ्लड को चलाने का मतलब था जो दुग्ध सेक्टर है, उस सेक्टर में बाढ़ की तरह उसमें बढ़ावा दिया। सभी किसान जिनके पास, जो पाल सकते हैं जानवरों को, वो सभी जानवरों को पालें और उनसे दुग्ध का उत्पादन करें, उनसे दूध लें। जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीज ने ही इसको, ऑपरेशन फ्लड को लाने का प्रस्ताव दिया था, कि उसका सुझाव दिया था कि अगर हम इस क्षेत्र में अगर ऑपरेशन फ्लड को लाते हैं, तो फ्लड का मतलब बाढ़ रहता है और हम दूध को भी उतना ज़्यादा, बाढ़ की तरह ही इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। तो ये जो ऑपरेशन फ्लड था वो तीन चरणों में चलाया गया था, जिसका पहला चरण 1971 से 75 के बीच में चला था,
दूसरा चरण 1978 से 1985 के बीच में चला था, और जो तीसरा चरण था वो 1987 से लेकर 1996 के बीच में चला था। जो दूसरा चरण चला था तो इसमें 12 राज्यों को शामिल किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये 12 राज्य थे जो उसमें शामिल थे। उसमें 12 राज्यों को शामिल किया गया था। इन 12 राज्यों में ये ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, क्योंकि इन क्षेत्रों में या इन राज्यों में जो पशु पालने वाले लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, और उनको उनसे ये आशा थी कि यहाँ पर हम इनको बढ़ावा देंगे, और जब बढ़ावा देंगे तो ये जानवरों को पालेंगे, जिससे इसे दूध का उत्पादन तेजी से होगा। और जो तीसरा चरण चलाया गया था 1987 से 1996 के बीच में, इसमें बहुत तेजी के साथ सुविधाओं में वृद्धि हुई थी। सुविधाओं में वृद्धि, जब वहाँ पर दूध की उपलब्धता ज़्यादा होगी, वहाँ पर दूध का उत्पादन जब ज़्यादा होगा उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ज़्यादातर पशुओं को पाला गया है दूध देने वाले, तो जब वहाँ पर उसकी उत्पादकता ज़्यादा होगी, उत्पादन उसका ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर डेयरियों का निर्माण करवाया गया, दूध को ज़्यादा मात्रा में खरीदा गया, जिससे उसके बदले में उन्हें पैसे दिए गए, और फिर उनको पैसे जब मिलने लगे तो ये लोग और प्रोत्साहित हुए, तो फिर धीरे धीरे इनको बढ़ाते गए। तो अब जब इन सभी तीन चरणों को ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत चलाया गया था, तो यहाँ पर इससे बहुत ही बड़ा फायदा मिला था, क्योंकि इसकी देन से ही, ऑपरेशन फ्लड की देन से ही पहले दूध की मात्रा 1950 में प्रति व्यक्ति 124 ग्राम थी। 1950 में 124 ग्राम प्रति व्यक्ति के दर से यह था, जितने भी जनसंख्या थे उसमें लगभग 124 ग्राम की औसत मात्रा से ही वहां पर लोगों के में प्रति व्यक्ति के हिसाब से पड़ता था। एक व्यक्ति के हिस्से में लगभग 124 ग्राम दूध आता था 1950 में। अगर सभी सारे लोग खपत करना चाहें तो वो 124 ग्राम ही दूध को खपत कर सकते हैं, लेकिन इसी ऑपरेशन फ्लड की वजह से यह बढ़कर 2015 और 16 में यह बढ़कर 337 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई। अब देखिए यहाँ पर कितना बड़ा डिफरेंस है। 1950 में यहाँ पर जनसंख्या तब बहुत ही कम थी, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम थी, लेकिन 2015 से 16 में यह तेजी से जनसंख्या बढ़ी। जब तेजी से जनसंख्या बढ़ी तो कहीं ना कहीं लोग पालने वाले भी रहे होंगे, तो वो इसी ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत ही वो प्रोत्साहित होकर उन्होंने पशुओं को पाला, और यह बढ़कर 337 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई। यही बढ़कर 2015 से 16 के बीच में यह 337 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गया, 337 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। फ्लड का मतलब ही बाढ़ होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर दुग्ध विकास और उसमें जो ऑपरेशन फ्लड रहता है उसका क्या योगदान था, इसको समझा। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।